दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। की गुमनाम फिल्मी हीरोइन जिसने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, जिसके हुसन के चर्चे आम थे, जो बहुत ही दिलकश और दिल फ्रेब आंखें रखने वाली थी, फिल्म स्टार नीली। सारा काम कली ना करिया कर। करदा काम तियां पैणा नूं चंगा लगदा है पाऊ सनी। तुसी मेरी फिक्र ना करो, मैं उदों तक मरांगी नहीं जदों तक तुहाडे सिर ते सेरा नहीं वेख लैंदी। जे गल है फिर असी भी तेरी शादी बड़ी तूम ताम नाल। फिल्म स्टार नीली को ना सिर्फ इसके फैंस बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग भी तलाश करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। मगर इस वीडियो में आपको नीली के मुतल्लिक खबर देंगे कि वो इस वक्त कहाँ है, क्या करती है, किससे शादी की और अजवाजी जिंदगी कैसे गुजार रही है। फिल्म स्टार नीली जो जावेद शेख की मशूका थी, जिसकी मोहब्बत के चर्चे अखबारों की शह सुर्खियां बना करती थी, उस दौर में जावेद शेख और फिल्म स्टार सलमा आगा की तलाक हुई थी और जावेद शेख तन्हाई का शिकार। जावेद शेख जो हुसन परस्त इंसान है, उन्हें हमेशा महबूब की तलाश रहती है, तो इस बार नीली की जुल्फों के असीर हो गए। दोनों एक दूसरे के करीब हुए लेकिन दिल जुड़ने से पहले ही टूट गए, दोनों अलग हो गए। फिल्म से नीली को आज भी जावेद शेख साहब ही तलाश करते हैं, मगर उसने खुद को पर्दा स्क्रीन से ऐसे गायब किया जैसे वो कभी थी ही नहीं। बहुत मरतबा उसे तलाश करने की कोशिश की गई मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। फिल्म स्टार नीली पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा अंजुमन की कजन थी, जबकि फिल्म स्टार गोरी भी नीली की खालाजाद बहन है। फिल्म स्टार गोरी और अंजुमन दोनों सगी बहनें हैं। गोरी लाहौर के पोश इलाके में रहती है और आज भी गैर शादीशुदा है। एक तीसरे जराये से इसी फैमिली से मालूम हुआ कि नीली ने एक पुलिस ऑफिसर से शादी कर ली है, जिसमें से दो बच्चे हैं। नीली की आखिरी फिल्म 2006 में आई, जिसका नाम था दुल्हन बनती है नसीबों वालियां। इस फिल्म के बाद नीली फिल्मों से गायब हो गई और इसी दौर में जावेद शेख और नीली का अफेयर भी मंजरे आम पर आया था। बहुत से लोगों का ख्याल था कि जावेद शेख और नीली ने शादी कर ली है और शादी के बाद गोशा नशीनी अख्तियार कर ली, लेकिन इस खबर की तर्दीद तब हुई जब जावेद शेख खुद भी नीली की तलाश में नजर आए। नीली ने पहली शादी सिंध के एक वडेरे से की, जिसका नाम था असद बुखारी। ये शादी बहुत जल्द तलाक में तब्दील हो गई। फिर दूसरी शादी एक पुलिस ऑफिसर से की, जिसमें से दो बच्चे पैदा हुए। शादी के बाद नीली ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया, मुकम्मल बापरदा घरेलू जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हर उस इंसान से दूर हो गई जिसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से था, जिनमें करीबी रिश्तेदार भी शामिल है, यानी अंजुमन और गोरी से भी दूरी अख्तियार कर ली। तीसरे जराये से नीली के रिश्तेदारों से मालूम हुआ कि नीली की दूसरी शादी भी नाकाम हो चुकी है। लाहौर में रहती हैं, मगर मीडिया से मुकम्मल दूर हैं। अपनी तस्वीर तक नहीं बनवाती, सो वो सलाद की पाबंद है और उसके बच्चे भी जवान हो चुके हैं। 80s और 90s में मोस्ट ऑफ फिल्मी अदाकाराएं मखसूस इलाके से आया करती थी। यही वजह है कि दौरे जदीद में जब इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है, इसी वजह से उस दौर के तकरीबन तमाम अदाकाराएं फिल्मों से किनारा कशी करके गोशाए नशीनी अख्तियार कर चुकी हैं। बहुत सारी अदाकाराएं आज भी हयात हैं, मगर मीडिया के सामने नहीं आती क्योंकि उनका माजी ही कुछ ऐसा है जिस वजह से वो खुद को मीडिया से दूर रखती हैं और अपना घर बसाकर खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। ना वो खुद चाहती हैं कि उन्हें किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, और ना ही वो चाहती है कि उनके शोहरों को या बच्चों को ये सुनने को मिले कि उनकी वालदा पहले ऐसी वैसी होती थी। खुद को मीडिया से दूर रखने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है जो हमने आपको बता दी। नीली के मामलात भी ऐसे ही हैं, जिस वजह से वो मीडिया से दूर है लेकिन लाहौर में रहती है, बापर्दा जिंदगी गुजार रही है। नीली ने 90 की दहाई में कैरियर शुरू किया। फिल्म मेकर यूनुस मलिक ने नीली को फिल्मों में मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म आखिरी जंग, जिसमें सुल्तान राही, नादरा और नीली थी, ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई और कामयाब रही। फिल्म स्टार अंजुमन और गोरी को देखकर फिल्मों में इंटर हुई। नीली की खूबसूरती उसके घर वालों के लिए किसी गनीमत से कम नहीं थी। फिल्मों में जाकर खूब पैसा कमाया, जिस पर घर वालों ने खूब अय्याशी की। वो दौर भरे जिसमें वाली फिल्मी हीरोइंस का होता था, लेकिन नीली ने यह ट्रेंड तब्दील किया और दुबली पतली फिल्मी हीरोइंस का रिवाज डाला। 1991 की फिल्म काले चोर बहुत कामयाब हुई। इसी फिल्म से नीली और जावेद शेख की कुर्बत का आगाज हुआ। फिर 1995 में फिल्म जीवा से मजीद शोहरत हासिल हुई। इस फिल्म के कुछ सीन टर्की में अक्सबंद किए गए। 1995 की फिल्म जो डर गया वो मर गया भी काबिले तारीफ फिल्म रही। रिश्तों की खूबसूरती को इस तरह ना रोंदो। तूने
जलील के लिए मुझे मारा? हाँ, और अभी कम मारा है। क्या लगती है ये तेरी? खुद जाके पूछ ले कि वो मेरी क्या लगती है। ये मेरा भाई है। इसी साल नादरा का कत्ल हुआ जिससे इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। इससे अगले साल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसे साने से दोचार हुई कि दोबारा कभी अपने पांव पर खड़ी ना हो सकी। वो सानिया था सुल्तान राही का कत्ल। सुल्तान राही को अचानक कत्ल कर दिया गया जिस वजह से फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई। वो फिल्म इंडस्ट्री जिसने पूरे पाकिस्तान में अपनी ढाक बिठाई थी। उर्दू फिल्मों में काम करने वाले फनकार भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। पूरे मुल्क में पंजाबी फिल्में ही चला करती थी। सुल्तान राही की आखिरी फिल्म में फिल्म सर नीली भी कास्ट का हिस्सा थी। फिल्म का नाम था सखी बादशाह जिसका मशहूर जमाना गीत हमेशा के लिए समातों में महफूज हो गया क्योंकि उसमें सुल्तान राही की जुदाई का गम भी शामिल हो चुका था कि दम दा भरोसा यार दम आन और परेशान कर दिया था। इसके बाद नीली भी फिल्मों से गायब हो गई क्योंकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जबोहाली का शिकार हो चुकी थी। कई सालों बाद नीली 2006 में फिल्म दुल्हन बनती है नसीबो वारिया में देखी गई और नीली की यही फिल्म आखिरी फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के नाम की तरह नीली भी दुल्हन बनी और अपने नसीब को लिए पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई। नीली के चाहने वाले आज भी उसकी एक झलक देखने को तरसते हैं। जैसे फिल्म चल आसिया बेगम फिल्मों से गायब हुई थी वैसे ही नीली भी फिल्म इंडस्ट्री से मुकम्मल दूर है। लेकिन आसिया की एक तस्वीर जब वो पाकिस्तान आई और एक शादी की तकरीब में वो तस्वीर ली गई जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया क्योंकि आसिया को उस तस्वीर में पहचानना नामुमकिन सा लगा। लेकिन फिर भी कम से कम आज लोगों ने फिल्म सर आसिया की आखिरी झलक देख रखी है। ऐसे ही नीली को भी चाहिए कि कम से कम अपनी आखिरी झलक एक बार जरूर दिखा दे। उम्मीद की जा सकती है कि फिल्म सर नीली जिसका असल नाम नीलोफर था जो नीली आंखों की वजह से नीली थी क्योंकि वो नीले लेंस लगाया करती थी। हमारी दुआ है कि नीली जहां भी रहे खुश रहे। अल्लाह पाक हर अदाकारा को तौफीक दे कि वो गुनाहों की दुनिया से दूर होकर बाइज्जत और बाहया जिंदगी गुजारे। जाती तस्कीन को नजरअंदाज करते हुए ये अमल काबिले तारीफ है कि नीली ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से मुकम्मल दूर कर रखा है और वो अपने इस फैसले पर आज तक कायम है। दोस्तों आपको नीली की कौन सी फिल्म या कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद था नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।